हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं डैशिंग कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। आप इसको कढ़ाई पनीर कह सकते हो, आप इसको शाही पनीर कह सकते हो। आज की रेसिपी अगर आपने घर पे बना ली तो आप रेस्टोरों में या फिर ढाबे पे जाकर खाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप उसको बोलोगे घर पे ही बना के खाते हैं, क्या जरूरत है बाहर का मिलावटी खाना खाना। तो चलिए आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कढ़ाई पनीर। इसके लिए लिया है मैंने 20 ग्राम बटर, डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल भी बटर के साथ, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है और तेल हमारे बटर को जलने से बचा लेता है, इसीलिए इसके साथ थोड़ा सा तेल भी डाला जाता है। हम इसको गर्म कर लेते हैं। इसके साथ अब मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए और उसके एक एक परते अलग कर दिए। ये एक ही प्याज है, मैंने थोड़ी बड़ी से प्याज ली थी। एक ही शिमला मिर्च है, जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम सौते करेंगे 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए ही चाहिए हमें, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये हमारी सब्जी के साथ भी पकेगा। इसको हम निकाल लेते हैं। जो हमारा अभी तेल बचा है और बटर बचा हुआ है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काजू के 15-20 कलियाँ, मतलब टुकड़े, और डाल रही हूँ उसके अंदर टमाटर। ये टमाटर मैंने 2-3 लिए हैं और उसको हम अच्छे से पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसको हम पीस लेंगे। देखिए टमाटर ठंडे हो गए, मैंने मिक्सी पॉट में डाल के पीस लिया है। मैंने फिर से 20 ग्राम बटर लिया है, उसके अंदर फिर से 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। डाल रही हूँ अब इसके अंदर जीरा का 1 भर की चम्मच, 2 तेज पत्ता जिसको मैंने तोड़ लिया है, कसूरी मेथी, आपको तो पता ही है डैशिंग कुकिंग की फेवरेट, इसको भी मैंने भून लिया है। ली है मैंने 1 प्याज बिल्कुल छोटी सी, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम पका लेते हैं जब तक ये हल्का सा सुनहरे कलर की ना हो जाए। डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बारीक बारीक काट के। मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, आप चाहे तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं, बट अगर अपन नमक पहले डाल के पकाते हैं तो प्याज वगैरह जल्दी पक जाती है। टमाटर का पेस्ट, जो टमाटर और काजू का हमने पेस्ट बनाया था, वो भी मैंने इसके अंदर मिला दिया है। इसको हम पकाएंगे करीबन 3-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, मिक्सी पॉट में रह गया था मसाला उसके साथ। डाल रही हूँ उसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच लाल कश्मीरी लाल मिर्च। पका लिया है मैंने मसाला अच्छे से, तेल छूटने लगा है। अब मिला रही हूँ इसके अंदर शिमला मिर्च, प्याज और पनीर को। इसको भी हम सूखा 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला डाला है। गरम मसाला सबसे लास्ट में इसलिए डालना चाहिए क्योंकि ये मसाला पकाने में बहुत लेट कर देता है। जो आपकी सब्ज़ी बन रही होती है बस लास्ट में ही गरम मसाला मिलाना चाहिए। मैंने पका लिया है अनदर 2-3 मिनट्स और हमारी सब्जी हो गई है तैयार। देखिए ऐसे लग रही है, अच्छी लग रही है। अगर आपको तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मेरा चैनल, फिट रहें, स्वस्थ रहें एंड कनेक्ट रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।